नमस्कार, आपको स्क्रीन पर जो चारों ब्राउज़र दिख रहे हैं, हम इनकी स्पीड टेस्ट करेंगे, बेंचमार्क करेंगे और कितना रैम ये लोग कंज्यूम करते हैं उसके बारे में भी पूरा ए टू जेड देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। विंडोज़ से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। और सबसे पहले हम स्पीड टेस्ट करेंगे, इसके लिए मैं कुछ वेबसाइट को चारों ब्राउज़र के ऊपर रन करवा के चेक करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपके गूगल क्रोम पर google.com ही है। इसको लोड होने पर यहाँ पर करीब 1.17 सेकेंड का समय लगा है। अब चलते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन किया तो लगभग 1.36 सेकेंड में ये भी लोड हो चुकी है। आ गए मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर, यहाँ पे जो है 1.50 सेकेंड में ये वेबसाइट पूरी तरीके से लोड हो चुकी है। और आपके ब्राउज़र पे आते हैं तो इस पे देखते हैं कितना समय लगा। इस पे लगभग 1.47 सेकेंड के आसपास का समय लगा। अब चलिए वापस से आपके गूगल क्रोम के ऊपर आते हैं। इस बार हमारी जो वेबसाइट होगी वो आपकी फेवरेट youtube.com होगी। इसको जो है लोड होने में आपके क्रोम के ऊपर 2.10 सेकंड का समय लगा। और आपके एज ब्राउज़र पे इसको टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे लगभग जो है मुझे लगता है ये 2.53 सेकंड में लोड हो चुकी है। और ब्राउज़र आपके फायरफॉक्स वाले पे आते हैं तो फायरफॉक्स में 1.90 सेकंड का बोल दो तो इतना समय लगा। ब्रेव ब्राउज़र के ऊपर ये जो है 2.35 सेकंड के समय में ये लोड हुई है। अब नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर चलेंगे जो है आपकी फेसबुक, फेवरेट वाली फेसबुक, ये यहाँ पे आपकी 0.91 सेकंड में लोड हो गई है। आपके एज पे आते हैं तो देखेंगे इसमें भी जो है जल्दी लोड हो जानी चाहिए, 1.36 सेकंड में लोड हो गई है। फायरफॉक्स में देखते हैं यहाँ पे जो है लगभग 1 सेकंड में लोड हो गई है। आपके ब्रेव ब्राउज़र के ऊपर आए तो देखते हैं जो है 0.92 सेकंड में लोड हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट में। मैं करीब 6 वेबसाइट को टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने हॉटस्टार को खोला जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो 0.38 सेकंड में ये आपके क्रोम के ऊपर लोड हो चुकी है। और एज पे चलते हैं तो यहाँ पे जो है लगभग 0.37 सेकंड में लोड हुई है। अभी तक मैंने ये देखा कि थोड़ा सा ये अभी आपकी हॉटस्टार क्रोम के मुकाबले एज में जल्दी लोड हो गई है। रिजल्ट हम बाद को ही देखेंगे, अभी फायरफॉक्स पे टेस्ट करते हैं तो 0.40 सेकंड में ये आपकी हॉटस्टार लोड हुई है। अब यहाँ से फेसबुक को हटाते हुए हॉटस्टार पे चलते हैं, 0.33 सेकंड में आपके ब्रेव ब्राउज़र पे लोड हो चुकी है। अब नेक्स्ट वेबसाइट जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो है आपकी netflix.com, ये भी आपकी मूवी वगैरह वाली वेबसाइट है। तो 2.65 सेकंड में लगभग ये लोड हो चुकी है क्रोम के ऊपर। अब चलते हैं आपके एज की तरफ, तो यहाँ पे जो है देखते हैं जरा क्या रिजल्ट आया है। अभी तो खुल रही है, खुल जाने दीजिए। लगभग 3.51 सेकंड का समय लगा है। मोजिला के ऊपर देखते हैं तो मोजिला में भी ये थोड़ा मुझे लगता है समय लेने वाली है, 3.3 सेकंड का समय लिया है। आ गए ब्रेव के ऊपर तो ब्रेव पे भी ये वेबसाइट मुझे लगता है थोड़ा समय लेने की कोशिश करेगी। हाँ लिया, लेकिन कम लिया, 2.64 सेकंड में काम हो गया है आपका। आते हैं आपकी नेक्स्ट वेबसाइट पे जो है शॉपिंग वाली amazon.com, क्रोम के ऊपर लोड होने में इसने जो है 1.84 सेकंड का समय लगाया है। अब एज की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ा समय हमें लगेगा, लगभग 2.51 सेकंड का समय लगा है। मोजिला पे देखते हैं पेस्ट एंड गो, यहाँ पे देखते हैं 2.40 सेकंड में काम हुआ आपका। ब्रेव के ऊपर आ गए, देखते हैं इसमें भी हो जाना चाहिए काम, तो समय ही होगा वैसे। लगभग यहाँ पे देखिए सेम टू सेम 2.40 सेकंड में ही लोड हुआ है। अब मैं कंक्लूजन की बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट क्या रहा। तो रिजल्ट तो देखिए कुछ ऐसा था कि कुछ वेबसाइटों को आपको क्रोम लोड जल्दी करके दे देगा और कुछ को जो है आपका फायरफॉक्स लोड करके दे रहा है और कुछ को आपका ब्रेव ब्राउज़र लोड करके दे रहा है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट में आपको एक्सेल शीट की मदद से ये बता दिया है कि कौन से वाला ब्राउज़र कितनी बार फर्स्ट आया है, कौन से वाला कितनी बार सेकेंड या थर्ड फोर्थ आया है। तो ये छोटा सा काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन नंबर 1 पे और कौन नंबर 3-4 पे आने वाला है। और बाकी के जो मैं आपको रिजल्ट वगैरह टेस्टिंग वगैरह दिखाने वाला हूँ उसके रिजल्ट मैं आपको खुद ही बता दूंगा, तो ये छोटा सा काम आप करिएगा मेरे लिए। अभी चलिए हम रैम यूजेज को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ गूगल क्रोम, इसमें मैंने वही 6 वेबसाइट लोड करी हुई हैं जो कि मैंने आपको अभी पिछले टाइम टेस्टिंग करके दिखाई हैं और सारे पेज बिल्कुल ओके हैं। मैंने आपको एक एक करके सबको जो है ओपन करके दिखा दिए हैं कि कहीं धोखे वाला काम नहीं है। अब आ जाते हैं आपके टास्क मैनेजर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं
लगभग कंप्यूटर में 15% यूज हो रही है रैम 455 MB के आसपास। बाकी मैंने आपको ये रिजल्ट दिखा दिया है कि 400 MB से इतने MB तक यूज हो रही है। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर। तो यहाँ पे जो है मैंने फिर से वही सेम आपकी 6 वेबसाइट जो टेस्ट करी थी उनको लोड कर दिया है। सारे पेज एक बार मैं दोबारा से क्लिक करके चेक कर देता हूँ कि भैया पेज बिल्कुल अभी रनिंग कंडीशन में। आ जाते हैं आपके टास्क मैनेजर के ऊपर और यहाँ पे लगभग जो है इसने जो है 350 MB के आसपास यूजेस करी है। बाकी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाई दे रहा हूँ। तो चलिए जो है अभी मैंने जैसे ही क्लोज किया आपका एज तो वो जो है रैम क्लियर हो गई है। अब चलते हैं आपके मोजिल्ला फायरफॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी मैंने आपकी वही पुरानी आपकी 6 वेबसाइट ओपन करके दे दी हैं और सारे पेज को फिर से लगे हाथ एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। सब कुछ रनिंग कंडीशन में है। आ गए आपके टास्क मैनेजर के ऊपर, ओपन हो जाए भाई। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब कमाल हो गया, लगभग 700 कुछ MB के आसपास ये यूज कर रहा है। बाकी इसकी भी डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है आपको स्क्रीन पे मैं लिख के दिखाई दे रहा हूँ, तो देख लीजिएगा आप। आते हैं आपके ब्रेव ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे भी वही आपकी बेहतरीन वेबसाइट्स मैंने जो है फिर से लोड करके रख दी हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैंने इन जो वेबसाइटों को जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं किया है, तो बिल्कुल साफ साफ काम सब में बराबर बराबर किया है। दोबारा से अपना टास्क मैनेजर ओपन किया तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लगभग 700 कुछ MB के आसपास इसने भी जो है आपकी रैम का कंजप्शन किया है। बस 6 वेबसाइट खोलने में लगभग 1 GB के आसपास की रैम ये लोग लपेटे दे रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे नंबर 1 पे एज आया है, नंबर 2 पे क्रोम आया है, नंबर 3 पे फायरफॉक्स और 4th पे आपका ब्रेव है। ये सबसे ज़्यादा रैम को यूज कर रहा था। अब बेंचमार्क की बात कर लेते हैं। तो बेंचमार्क के लिए मैं जो है एक वेबसाइट का इस्तेमाल करूँगा और इसमें सबसे पहले मैं फायरफॉक्स को यूज करने वाला हूँ। और इस वेबसाइट का कुछ ऐसा है ना कि ये जो है आपके ब्राउज़र के ऊपर काफ़ी सारे टेस्टिंग वगैरह को करती है। उसके बाद आपका ब्राउज़र कितने नंबर लेके आने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। चलिए अभी मैं जो है स्टार्ट करता हूँ इसको। तो स्टार्ट होते ही देखिए इस वेबसाइट की जो है टेस्टिंग वगैरह चालू हो गई है। बहुत समय लगता है इसमें, लगभग आधे घंटे के आसपास का समय लगता है। इसका स्कोर जो है 179 के आसपास आया है। अब क्रोम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्रोम में भी ये इसको रनिंग कंडीशन में डाल दिया है मैंने। सारे रिजल्ट मैं आपको स्किप कर करके दिखा दे रहा हूँ। इस पे जो है लगभग 170 के आसपास का स्कोर आया है। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, जितना ज़्यादा स्कोर होता है उतना बढ़िया होता है। एज की बात कर लेते हैं तो एज पे भी जो है मैंने इसको रनिंग कंडीशन में डाल दिया है। 170 के आसपास एज के ऊपर भी आया है। दोनों में सेम था, एज में और पिछले वाले में भी। ब्रेव की बात कर लेते हैं तो ब्रेव में जो है लगभग 168 का स्कोर आया है। इसके जो है मैं अब आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो रिजल्ट में मैं एक बात आपको फिर से बताना चाहूँगा, जिसका स्कोर ज़्यादा है वो बेहतर है। आपका फायरफॉक्स सबसे ज़्यादा स्कोर लेके आया है तो इसके हिसाब से फायरफॉक्स बेहतर है। तो सारी चीज़ें आपके सामने थी, कुछ भी छुपी नहीं है। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या चीज़ें कौन से नंबर पर आने वाली हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिएगा और ध्यान रखिए अपना, गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। जय हिंद, जय भारत।